हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे UPPCL TG2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो 24/1/2019 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। 2019 के सुबह शिफ्ट में यानी मॉर्निंग शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके न्यूमेरिकल। इसमें जो दिया गया था, किसी विद्युत परिपथ में 50 ओम वाला प्रतिरोध 200 वोल्ट आपूर्ति से संयोजित है। उस परिपथ से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की गणना करें। तो ओम के नियम के अनुसार हम जानते हैं क्या होता है। इसमें विद्युत धारा पूछा है तो I बराबर V/R, ये एम्पियर में आएगा। तो इसमें I क्या है, विद्युत धारा, V विभवांतर और R प्रतिरोध। तो इस हिसाब से जो V का मान हो जाएगा वो 200 वोल्ट दिया है और जो रेजिस्टेंस का मान दिया है वो 50 ओम। तो 50 को काटेंगे एक बार में और 25 चौका 200 यानी 4 एम्पियर आंसर हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो 4 एम्पियर हो जाएगा। अगला है, कोई अष्ट पोल परिवर्तक 750 आरपीएम पर चल रहा है, इस प्रत्यावर्तक अल्टरनेटर की आपूर्ति क्या होगी। तो जो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है वो होता है, फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला होता है F बराबर P(N)/120, यानी इसमें जो F है वो आवृत्ति है, इसका मात्रक हर्ट्ज में होता है, P पोलों की संख्या, N रोटेटिंग पर मिनट, N जो है वो गति है और इसको नापा जाता है RPM में। ठीक, तो इसमें देखेंगे F पूछा है तो F बराबर हो जाएगा, P का मान दिया है अष्ट पोल यानी 8 पोल दिया है और जो इसका गति दिया है वो दिया है 750/120। तो जब 8 को काटेंगे तो 8 कटेगा 4 से दो बार में और 4 से इसको काटेंगे 120 को, तो 4 × 3 = 12 और 0 30 बार में कटेगा। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 3 से काटेंगे 75 को तो 3 × 3 और 75 को काटेंगे तो 3 × 2 = 6 बचा 15, 5 × 3 = 15 यानी 25। अब क्या करेंगे, 25 में यहाँ पे 2 है 2 से गुणा करेंगे, 25 × 50 यानी जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा वो 50 और फ्रीक्वेंसी का मात्रक होता है हर्ट्ज, इसका जो मात्रक होता है हर्ट्ज होता है यानी 50 हर्ट्ज आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछा है कि 4 ओम वाले 4 प्रतिरोधक समांतर में जुड़े, कुल प्रतिरोधक क्या होता है। तो जब 4 ओम के 4 तो समांतर क्रम में कह रहा है, तो समांतर क्रम क्या होता है, 1 रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस, 3 ये होगा 4। 4 को कह रहा है समांतर में जुड़े हैं इस तरह से। समांतर में क्या होता है, सभी रेजिस्टेंस पे वोल्टेज समान होता है और धारा अलग अलग होता है। तो एक कमान दे दिया 4 ओम, जो एक कमान दे दिया कितना 4 ओम दे दिया। तो जब सभी समान मान के रहे तो उसके लिए फार्मूला होता है RT बराबर R/K का मान और N जो है कितने रेजिस्टेंस समांतर क्रम में लगे हुए हैं। तो R का मान है, तो R का मान है 4 और कितने जुड़े हुए हैं, 4 रेजिस्टेंस, इसको कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, यानी जो टोटल प्रतिरोध का मान हो जाएगा 1 ओम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है किसी सजावटी श्रृंखला वाले प्रकाश व्यवस्था के लिए 6 वोल्ट वाले कितने बल्ब, किसी सजावटी श्रृंखला वाली प्रकाश व्यवस्था के लिए
6 वोल्ट वाले कितने बल्ब को 240 वोल्ट आपूर्ति से जोड़ा जा सकता है। तो इसको क्या कर देंगे, कह रहा है 440 वोल्ट की सप्लाई है, तो 6 वोल्ट वाले कितना सीरीज में जोड़ सकते हैं, तो कह देंगे 240 और भागा कर देंगे क्या 6, तो 6 से काटेंगे एक बार में कटेगा, और 6 चौक 24 यानी 40 बल्ब क्या कर सकते हैं सीरीज में जोड़ सकते हैं, 40 बल्ब सीरीज में जोड़ा जा सकता है। थैंक यू दोस्तों, कैसा वीडियो लगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं।